कालू जी, अब तो मैं थक गई हूँ ये अच्छी पक्षियों की जैसे दिखावा करने से। क्यों ना हम पहले जैसे बुरे पक्षी बने और दूसरों के घर चोरी करें। हाँ गौरी, जब से हमने अच्छे पक्षियों की तरह रहना सीखा है तब से तो हम भूखे ही मर गए हैं। अब तो दाने दाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता। तो कालू जी चलें और आज रात मोटे तोते के घर का सफाया करेंगे। अब गौरी सीधा नदी पर जाती है। भाई यहाँ अकेले कैसे बैठे हो? गौरी कौवी, भोजन करने के बाद मैं यहाँ पानी पीने आया था। अरे तोते भैया, मैं तो आपसे कह रही हूँ जल्दी से शादी कर लो, इससे तुम दोनों लोग भोजन ढूंढने आना जैसे हम लोग ढूंढते हैं। इधर कालू कौवा तोते के घर चोरी करने पहुँचता है। आप कौवा तोते के घर से भोजन चोरी करके जल्दी से अपने घर पर रख आता है और फिर नदी पर जाता है और गौरी को इशारे में कहता है कि मैंने चोरी कर ली। अब अच्छा भैया, अब बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। अब कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर पर तोते का भोजन आराम से खा के सो जाती हैं। क्या है? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा भोजन कोई चोरी करके ले गया। अब कालू जी चले और अब उस छोटी चिड़िया के घर चोरी करते हैं। अरे बहन, तुम यहाँ अकेली कैसी बैठी हुई हो? मैं तो जंगल में भोजन की तलाश करने जा रही थी, तभी थोड़ी थक गई हूँ और इस पेड़ पर बैठ गई हूँ। हाँ हाँ, मेरे कालू जी भी भोजन लेने गए हैं। अब वह एक बहुत ही मेहनती पक्षी बन गई। इस तरह गौरी कौवी रानू चिड़िया को बातों में लगाए हुई थी और कालू कौवा रानू चिड़िया के यहाँ से भोजन लेके झट से अपने घर आ गया। अच्छा गौरी बहन, मैं चलती हूँ। रानू बहन, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे घर पे जरा भी भोजन नहीं बचा है। हमने बहुत सारा भोजन इकट्ठा किया था लेकिन कोई चोर चोरी कर कर ले गया। पर तुम लोग आज मेरे घर पर चलो, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाने वाली हूँ। सब पक्षी रानू के घर पहुँचते हैं। अब रानू देखती है कि उसका भी भोजन चोरी हो गया। हाय रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा भी भोजन कोई चोरी कर कर ले गया। अब सारे पक्षी कहते हैं हमें उस चोर को जल्द ही पकड़ना होगा। दूसरे दिन बाद कबूतर एक फल लेके आता है और उस पर कुछ दवा छिड़क देता है। कालू भैया, जरा हमारे घोंसले पर नजर रखना, मैं शाम तक लौट के आ जाऊंगा। अरे गौरी, यह देखो, आज तो वह कबूतर अपने घोंसले में खुद ही भोजन रख कर चला गया है और कहा है कि शाम को आएगा, जल्दी से हम उसका भोजन यही चट कर लेते हैं। बाद रानू बहन, अपना काम हो गया, अब तक तो उस चोर ने वह फल खा लिए होंगे। मुझे लगता है कि यह काम गौरी और कालू का ही है। मैंने उस फल में पेट खराब करने की दवा मिला दी थी। अब नदी पर जाकर देखते हैं। अरे गौरी, तुम यहाँ बीमार कैसी डली हुई हो? अरे कुछ नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी कालू कहता है मैं जल्दी से शौचालय जाता हूँ। और कालू जल्दी से शौचालय जाता है, उसके बाद गौरी, फिर कालू, फिर गौरी, फिर कालू। तब तोता कहता है गौरी और कालू, आया ना मजा चोरी का भोजन खा के। हाँ तो ये भी बता दो कि कबूतर के रखे हुए फल में क्या मिलाया था? मैंने उसमें पेट खराब करने की दवा मिला दी थी जिससे चोर जल्दी से पकड़ा जाए, और चोर पकड़ गया। अब कालू और गौरी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। रानू चिड़िया एक बहुत गरीब चिड़िया थी, वह अपने छोटे से बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। हा? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपकी मदद करूँगा। बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओ तो मेरी मदद कर लेना। नहीं माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और आपके साथ आज से मैं जंगल चलूँगा। दोनों माँ बेटे जंगल में चले जाते हैं। तब कुक्कू चिड़ा कहता है माँ, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा है। अब आप जब तक यहाँ बैठो और मैं जंगल से आपके और अपने लिए भोजन लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया आगे चली जाती है और कुक्कू चिड़ा वहीं बैठा हुआ था। तभी उसे एक पौधा मुरझाया सा और सूखा हुआ दिखाई देता है। अब कुक्कू चिड़ा कहता है लगता है इस पेड़ को बहुत प्यास लगी हुई है। कुक्कू चिड़ा उस पौधे को पानी पिला देता है। तभी वह पौधा बोलने लगता है दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी पिलाया, आप बहुत अच्छे हो दोस्त। उसके बाद रानू चिड़िया आ जाती है और दोनों माँ बेटा अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटा भोजन करके सो जाते हैं।
आप दूसरे दिन रानू चिड़िया फिर से जंगल में चली जाती है। चिड़िया आगे बढ़ती है, बारिश तेज हो जाती है। मेरा बेटा वहाँ अकेला डर रहा होगा। इधर कुकु चिड़ा, मेरी मम्मा इस बारिश में पता नहीं कहाँ फंस गई हैं। अभी तक तो आ जाती, तभी आंधी में रानू चिड़िया की डाल टूट जाती है और रानू चिड़िया नीचे गिर पड़ती है और वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है। अब उधर से गौरी कौवी और कौवे दोनों निकल रहे थे। अब रानू चिड़िया को वह पानी पिलाते हैं, तभी रानू चिड़िया को होश आता है। रानू चिड़िया जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वह नहीं उड़ पाती है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे घोंसले तक पहुंचा देते हैं। और दोनों घोंसले तक पहुंचा देते हैं। अब सुबह हो जाती है, तब रानू चिड़िया कहती है, बेटा मैं जंगल जा रही हूँ। अब जैसे ही रानू चिड़िया फिर से उड़ने की कोशिश करती है, पर वह नहीं उड़ पाती है। कुकु चिड़ा ऐसा कहकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में वह बहुत भोजन ढूंढता है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता है। वह थक हार कर वहाँ बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी कुकु चिड़े को कोई आवाज़ सुनाई देती है, दोस्त इधर आओ, मेरे पास आओ। कुकु चिड़ा इधर उधर देख, तब उसे वही पौधा दिखाई देता है। वह सारी बात बता देता है। तब वह पौधा कुकु को एक फल देता है और कहता है, दोस्त इस फल को ले जाकर तुम अपनी कुछ भी इच्छा मांग सकते हो। अब कुकु चिड़ा अपने घोंसले में आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। अब फल से कहता है, फल मेरी माँ पहले की तरह ठीक हो जाए और जल्दी जल्दी उड़ने लगे। तभी ऐसा कहते ही रानू चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। अब दोनों माँ बेटा बहुत खुश होती हैं। फल हमारे लिए अच्छे और मीठे मीठा भोजन लेके आओ। तभी फल बहुत सारे मीठे मीठे फल ला देता है। उसके बाद रानू चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दिन कालू कौवा मन ही मन सोच रहा था, सादा खाना खाके मेरा तो मन भर गया है, कहीं से चटपटा भोजन मिले तो मजा आ जाए। तभी अरे कालू कौवे, क्या मन ही मन बड़बड़ाए जा रहे हो? अरे चील, मैंने बहुत दिनों से एक अच्छा भोजन नहीं खाया है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा भोजन खिलाती हूँ। इस जंगल में जितने भी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका घर मुझे बता दो। उन घर में हम बच्चे भी खाएंगे और तुम अंडे खाना। अब दोनों लोग जंगल में चलने लगे। अरे यह किसका घर है? अरे चील बहन, इस घर के बारे में तो सोचना भी नहीं, यह इस जंगल की सबसे चतुर चिड़िया रानू का घर है। चलो, यह है तोते का घर, इसमें हमें दो छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। दोनों उस घर में घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उनकी आवाज के डर से इधर उधर छुप गए थे। लगता है वह बच्चे अपनी माँ के साथ गए हुए हैं। चलो यहाँ से। अब दोनों पक्षी कबूतर के घर पहुँचते हैं। उसके घर में जाते हैं तो एक बच्चा और दो अंडे रखे हुए होते हैं। तभी बच्चों को चील खा लेती है और अंडों को कालू कौवा है। जब कबूतरी कुछ ही देर में वापस आती है तो अपने बच्चों को ना पाकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, मेरे बच्चे मेरे अंडे कहाँ चले गए। पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तब वहाँ पर तोते के बच्चे भी आ जाते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। हम सारे पक्षी भोजन लेने जंगल में जाएं, तब एक पक्षी यहाँ पर पहरेदारी करेगा। तब सारे पक्षी जंगल में दाना लेने जाते हैं और एक पक्षी घर के बाहर पहरेदारी करता है। अब कालू कौवा और चील इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे अब क्या करें, इन लोगों ने तो एक पहरेदार लगा दिया है। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, और वह कुछ उपाय उनको बता देता है। अब दूसरे दिन सारे पक्षियों के पास कालू कौवा आता है और कहता है, मुझे उस शिकारी के बारे में पता चल गया है जो हमारे बच्चों को खा रहा है, जल्दी चलो, वह एक गुफा में है। तब कालू कौवा चालाकी से उन सारे पक्षियों को उस गुफा में ले जाता है। अब सारे पक्षियों को चील खाने वाली ही थी, तब रानू चिड़िया कहती है, अरे अरे चील दीदी रुको, मेरे बच्चे तो घर पर रह ही गए, बहुत सारे बच्चे और इस कबूतर के भी बच्चे
और इस कौए के भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी घर पर हैं। अरे चील दीदी, इनकी बातों में मत आना, यह रानू चिड़िया बहुत चालाक है। लेकिन चील को तो बच्चे खाने का बहुत लालच था, इसलिए वह रानू चिड़िया के साथ चली जाती है। वह देखो, अंदर मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, जाओ और उनको लेकर आओ। अब चील जैसे ही रानू चिड़िया के घर के अंदर जाती है, रानू चिड़िया घर के बाहर का दरवाजा लगा देती है। अब चील चिल्लाती ही रह जाती है और रानू चिड़िया सीधी उस गुफा में जाके उन पक्षियों को बचा लेती है। अब मैं इस कालू कौए को भी सजा दूंगी और कालू कौए को उस गुफा में बंद कर देती है। अब सारे पक्षी उस चील और उस कौए के जाल से आजाद थे। रानू चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में निकली थी, मैं तो अपने घर का रास्ता ही भूल गई। अब मैं घर वापस कैसे जाऊं? बेचारी रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ पर एक आकाश नाम का चिड़ा आता है। अरे आप कौन हो और यहाँ की जंगल की नहीं लगती है? मैं दूसरे जंगल की हूँ, मैं भोजन की तलाश में आई थी और अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। मैं इस जंगल में अभी नया नया हूँ, मैं इस जंगल का रास्ता नहीं जानता हूँ। पर मैं अंडे देने वाली हूँ और कभी भी अंडे दे सकती हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। तभी आकाश चिड़ा रानू चिड़िया के लिए एक घोंसला तैयार कर देता है। सुबह होने पर अगले ही दिन रानू चिड़िया दो अंडे देती है। वह अपने अंडे को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरे अंडे तो बहुत ही स्वस्थ दिख रहे हैं। तभी वहाँ पर आकाश चिड़ा भी आ जाता है। अरे वाह, तुमने तो कितने प्यारे अंडे दिए हैं। तब रानू चिड़िया आकाश चिड़ा से कहती है, क्या आप कुछ देर के लिए मेरे अंडों का ध्यान रख सकती हैं? मुझे जंगल में भोजन लेने जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों के पास ही हूँ, तुम आराम से अपने लिए भोजन लेके आओ। अब रानू चिड़िया जंगल में भोजन लेने चली जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ में सेब लगा दिखाई देता है। कोई है? मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तभी रानू चिड़िया उनके पास आती है। हेलो सेब और अपनी भूख शांत कर लो। अरे बड़ी मुश्किलों से तो मुझे एक सेब मिला था, मैं क्या खाऊंगी। तभी रानू चिड़िया को अपने बच्चों की आवाज सुनाई दे जाती है और वह भागकर घोंसले में जाती है तो देखती है अंडों में से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए हैं। शाम होने पर जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं और वह अपने पंखों की सहारा देती है और अपने बच्चों को छिपा लेती है। रानू चिड़िया का घोंसला पानी से भरने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसमें से एक बच्चा मर जाता है। अरे मेरा बच्चा मर गया। तभी वह अपने दूसरे बच्चे को लेकर आकाश चिड़ा के पास जाती है। भैया भैया, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला टूट गया है। अंदर से आवाज आती है, नहीं हम तुम्हें अंदर नहीं आने देते। बेचारी रानू चिड़िया बारिश में ही इधर उधर भटकती रहती है। तब वही बूढ़ी कबूतरी उसे दिख जाती है। अब बूढ़ी कबूतरी कहती है, अरे तुम तो वही हो जिसने मुझे भोजन खिलाया था। बूढ़ी कबूतरी रानू चिड़िया और उसके बच्चे को अपने घर पर ले जाती है। अब रानू चिड़िया उस कबूतरी के साथ अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अब उसके घर में रहने लगती है।